अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इसको मिडल ईस्ट का पुकार रही है। इंडिया जो है वो इसको मिडल ईस्ट नहीं कह रहा, वो इसको वेस्ट एशिया कह रहा है। टेक्निकली तो शायद वो ठीक होंगे, बट वाई दिस डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ द रीजन, ये जो है इसको आप कैसे देखते हैं? टेक्निकली तो वो ठीक कह रहे होंगे अपने जहाँ पे वो मौजूद हैं, लेकिन कॉलिंग इट अ वेस्ट एशिया रादर देन अ मिडल ईस्ट, थोड़ा सा मैं भी लर्निंग चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और मैं जानना, जारी बात है, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे दैट व्हाई इंडियन फॉरेन ऑफिस इज सेइंग इट सो। अगर आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिडल ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको नियर ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट मिलेगा। तो बाज यूनिवर्सिटीज में नियर ईस्टर्न स्टडीज कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो वो डिपार्टमेंट फाउंड किए थे वो इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड उसको नियर ईस्ट कहता है। इंडिया इज बींग जैसा ईस्ट एशिया कहता है वैसा वेस्ट एशिया कहता है। इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली सेड, बट इट टेल्स यू, ये बहुत जमाने से कर रहा है इंडिया, बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि अनलाइक से पाकिस्तान, अगर इसको मिडल ईस्ट कहता है तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट को अमरीका की नज़र से देख रहा है, बट इंडिया इज लुकिंग एट इट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया ने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया कि भाई हम दुनिया के सेंटर हैं। तो अगर हम दुनिया को देखेंगे तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट के वॉशिंगटन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पता नहीं मिडल ईस्ट का लफ्ज कैसा मशहूर हुआ है, बाद लोग कहते हैं कि शायद ये हेनरी किसिंजर का आइडिया था, क्योंकि अगर आप इसको अरब वर्ल्ड कहते हैं, अगर आप इसको अरब वर्ल्ड करेंगे तो फिर ईरान और तुर्की वगैरह इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, अगर आप इसको मुस्लिम वर्ल्ड कहेंगे तो इसराइल एक्सक्लूड हो जाता है। सो द वे टू इंक्लूड इसराइल, तुर्की एंड ईरान इज टू कॉल इट समथिंग न्यूट्रल, या तो उसको कहिए कि क्या कहते हैं वो परेशानी की पुड़िया, या मिडल ईस्ट कहिए, इट इज लाइक अ पंडोरास बॉक्स। तो उसका नाम मिडल ईस्ट फ्रॉम अ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। जैसा अब हम जब फार ईस्ट कहते हैं, तो अगर आप इंडोनेशिया में बैठ के अगर आप अपने खित्ते को फार ईस्ट कहने लगे तो दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू, यूएस के लिए वो फार ईस्ट है। अलबत्ता टर्म्स लाइक साउथ एशिया और ईस्ट एशिया दे आर न्यूट्रल टर्म्स, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं। सो इसलिए यूएस में उसे मिडल ईस्ट कहते हैं, बिकॉज इट इज फ्रॉम अ वॉशिंगटन्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, यही मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी चाहता था, और क्योंकि डिफरेंट जागन्स बोले जा रहे थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ट्विटर्स पे और इस तरह, तो मैंने कहा एक का जब मेरी जब इंडियन रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं मिडल ईस्ट कहता हूं, वेस्ट एशिया कहते हैं, बैक एंड फोर्थ चलते रहता है। दैट्स व्हाई मैं चाह रहा था कि हम एक इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर से ही इस पे बात करें, बाकी तो दाएं बाएं तो बड़े लोग मार रहे होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम प्योरली थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव इज इट इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये और कोई दूसरी कंट्री यूज नहीं करता इस तरह के फ्रेज, इवन रशिया मिडल ईस्ट कहता है जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो इवन द रशियंस आर लुकिंग एट द मिडल ईस्ट फ्रॉम द वांटेज पॉइंट ऑफ द यूएस। तो इट टेल्स यू के इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग है फॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं ना, दे आर लाइक कुछ है, दे आर समथिंग डिफरेंट। यू आर राइट, दे आर थिंकिंग डिफरेंट, और मुझे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि उनका जो फॉरेन ऑफिस है बड़ा कॉन्फिडेंट जो है वो काम कर रहा है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पीएम ऑफिस में या बाकी जगहों पे उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा वजन दिया जा रहा है। ये तो हो गया इस हवाले से। डॉक्टर साहब, ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है जिस पे हम देख रहे हैं कि एक तो वो है जो इसराइल हमास ने किया, फिर हमने देखा कि इसराइल ने क्या किया, अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस है, खामोशी है, एक खास दुनिया है वो बोल रही है। आपको क्या लगता है कि ये क्या आउटकम होने जा रहा है? सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो भाग रहे हैं, कभी वो इराक जाते हैं, कभी टर्की जाते हैं, वो बस एक चीज़ नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं हम जो है वो हाकन फिदा से भी बात हुई है जी के वो क्या नाम है, एस्केलेट ना हो ये क्राइसिस, लेकिन डी एस्केलेशन की जो टर्म है वो अभी तक मेजर फॉर जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं वहाँ पे नहीं है। आपको लगता है कि
इस दफा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये सारा रिकॉर्डेड कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये चल रहा है। क्या इस दफा इसकी इम्प्लीकेशंस या कोई वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट होगी, या कि बस उसी तरह ही लिया जाएगा जिस तरह माजी में इसको लिया गया? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? सर मैं जब पीएचडी सेमिनार कर रहा था मैंने एक क्लास प्लेटो पे ली थी, प्लेटो की एक ही किताब पे, प्लेटोज रिपब्लिक, जिसपे मैंने एक दो कॉन्वर्सेशन भी। तो हमने वो किताब, जैसा कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ते, एक्सीजेटिकली तफसीर करते हुए उसको पढ़ रहे थे। तो देयर वर अबाउट 20 पीएचडी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस से दूसरे, और हमारा प्रोफेसर वाज एन एक्सपर्ट ऑन प्लेटो, और वो 2000 साल से ज्यादा पुरानी किताब है। और एक बार मैंने रिमार्क किया कि ये किताब इतनी मुश्किल थी समझने के लिए फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे नहीं लगता कि 2500 साल में इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन इतना हुआ है इंसानों का कि आज के आम आदमी समझ सकते हैं कि प्लेटो क्या लिख रहा था। यू हैड टू गो थ्रू ए पीएचडी सेमिनार एट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड टू ग्रैपल विद प्लेटो। बोलने का मतलब ये है, इंफॉर्मेशन की मौजूदगी की वजह से इसका मतलब नहीं है कि इंसान ज्यादा ज़हनियत रखने वाले हो गए। दे आर जस्ट एज स्टूपिड एंड डम एज दे यूज्ड टू बी। तो खैर, इसका मतलब ये है, मैं आपको कह रहा हूँ कि लर्निंग कर्व कुछ भी नहीं है, ये जंग भी हो जाएगी और फिर लोग विल बी बैक टू स्क्वायर वन। मैं आपको गिन के दे रहा हूँ, जंग खत्म होने से 6 महीने के अंदर MBS और नेतन्याहू फिर कुछ ही कूइंग शुरू हो जाएगी उनकी। There will be no lessons learned. अगर lessons learned होते तो ये चौथी या पांचवी जंग क्यों होती गाजा में? अगर ये होता तो नेटो के एक्सपेंशन से यूक्रेन में जंग हुई, ये इब्राहिमिक एकॉर्ड्स के एक्सपेंशन का ये नतीजा है। There is no learning. जो आपके इंटरेस्ट है आप उस पे जाते हैं एंड यू आर नॉट लर्निंग, जो कंपल्शन है जिसकी वजह से। तो वेदर ये सोशल मीडिया पे हो या ना हो, क्या चेंजेस आएंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, ये और बात है कि अगर आप प्रेशर पॉइंट्स लगाएं, तो पिछले 4-5 दिन से US में अगर आप गौर से वॉच करें तो जो एंकर है और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप और मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, यार वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, यार एंजेलो मैथ्यूज के साथ किसा अजीब सी हरकत हो गई, एंड यू एंड आई आर टॉकिंग, और आपका जो प्रोड्यूसर है वो फुटबॉल के मैच दिखा रहा है, राइट? तो अब क्या हो गया है US में, जो मीडिया में जो एंकर्स हैं और जो टॉकिंग पॉइंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल इसराइल के सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन जो इमेजेस दिखा रहे हैं वो गाजा के दिखा रहे हैं। तो अगर आप टीवी वॉल्यूम ऑफ करके देखें US की न्यूज, तो ऐसा लग रहा है कि अल जजीरा और CNN और फॉक्स में कोई फर्क ही नहीं है, बिकॉज दे आर शोइंग द सेम वीडियोज। इसराइल तबाह बर्बाद कर रहा है गाजा को कंटिन्यूसली। अगर आप ऑन कर ले वॉल्यूम तो सो दैट इज हैपनिंग। सो ये इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है लोगों के ऊपर, जो चलते फिरते लोग ना, बच्चों को खाना खिलाते हुए स्कूल ले जा रहे हैं, जो ऑर्डिनरी अमेरिकन है, दे माइट बी शॉक्ड बाय द इमेजेस, स्पेशली इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू द कॉमेंटरी, तो शायद उनके वोट बदल जाए। सो दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट हो सकता है इस सोशल मीडिया का, लेकिन जो एलीट की पॉलिसीज हैं वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड बाय डिजायर फॉर वेल्थ एंड पावर या रिलीजियस एजेंडा। क्या इसराइल के अपना मजहब बदल लेगा? ये जंग की नतायज देखकर जिस रिलीजियस वैल्यूज के वजह से वो वेस्ट बैंक वगैरह में घुसे हुए हैं वो थोड़ी बदलेंगे। हाँ, ये और बात है, अगर सबक सीख लें तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, के दे डोंट वांट समथिंग लाइक दिस टू हैपन इन द फ्यूचर। सो आई एम नॉट श्योर के दिस वॉर इज गोइंग, बट इतना ज़रूर है कि इसराइल ने जो ग्लोबल सिंपथी हासिल की थी 7 अक्टूबर के बाद, उसने बहुत जल्दी से उसे एक्सपायर कर दिया है, और हर जगह अब सिंपथी फलस्तीनियों के लिए बढ़ रही है, सिवाय इंडिया के एक छोटा से तबके में जिनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि वो बच्चों की मौत, हजारों बच्चों की मौत के बावजूद उनकी इंसानियत नहीं जाग रही। तो डॉक्टर साहब, एक इसमें मैं और बात भी करना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कभी
तेहरान फोन मिलाते हैं, कभी अबूधाबी फोन मिलाते हैं, कभी कायरो में फोन मिलाते हैं. अदर देन द ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट व्हिच मेनी कंट्रीज हैव सेंड, इंडिया ने भी वही भेजी है. बट व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड बी टॉकिंग विद द लीडरशिप इन तेहरान, कायरो और अबू धाबी और रियाद, और सब रियाद तो नहीं कॉल किया आई थिंक उन्होंने, क्या बात कर रहे होंगे वहां पे? जयशंकर साहब स्पोक टू द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया. हाँ, तो क्या बात कर रहे होंगे? क्या वो इसराइल की बात कर रहे होंगे? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे होंगे? या वो कहेंगे जंग को फैलना नहीं चाहिए? What would be India's take with all these regional, बल्कि टर्की से मेरे ख्याल में उन्होंने बात नहीं की, उनकी वो केमिस्ट्री नहीं है. आप how do you see this? उनकी I think India is basically, मतलब मैं सिनिकली बता रहा हूँ कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो. That's what India is saying, कि हमको अमेरिका से काम है, अमेरिका से चीजें लेनी है. So बेचारे फलस्तीनियों का तो बुरा हाल हो रहा है, ये पहले से भी हो रहा है. Was, see, there are many mistakes that the Palestinians have made over the years. Or Golda Meir ka ek bahut hi famous statement tha ki Arabs never miss a chance to miss a chance, balki never miss an opportunity to miss an opportunity, right? To agar aap nahi, jo Arafat ka jo Camp David ke accords hue the, ya the discussions jo hue the yahan par Bill Clinton ke zamane mein, agar jab mahida ho jata to जितनी जमीन उन्होंने लूज की है वेस्ट बैंक में, वो नहीं लूज करते. देयर वुड हैव बीन अ वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, लेकिन उन्होंने उसका ना कह दिया. ऐसे कई बार ऐसे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आए वेयर दे कुड हैव एक्सेप्टेड स्टेटस को, और एवरी रिजेक्शन ऑफ एन ऑफरिंग हैज रिजल्टेड इन वर्स कंडीशन, यानी कि हालात बेहतर हो रहे हैं, राइट? अब ये और बात है कि देखिए, द बेस्ट केस सिनेरियो इनके लिए ये हो सकता है, बेस्ट केस विच इज जिसके 1% भी चांसेस नहीं है, ठीक है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सारी दुनिया का वो पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ हो जाता है, सिवाय अमेरिका और बर्तानिया का. ये दो मुल्क को छोड़ दें, ये तो अपार्थाइड के साथ भी थे, ठीक है? तो सारी दुनिया का पॉइंट जैसा मूड बदलता है. लेकिन अगर वो फलस्तीन के लिए एक स्टेप आगे लेंगे तो फिर हमास एक ऐसी अजीब हरकत कर देगा कि खत्म हो जाएगी फिर आपकी. हाँ, तो इसराइल का और नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा एलाई है वो हमास है. हमास डज द थिंग्स विच अलाउ नेतन्याहू टू बी ए क्रूअल मैन. अगर हमास अक्टूबर 7 के अटैक्स नहीं करता तो ये जंग करने की जस्टिफिकेशन नहीं मिलती. वो अपने ही डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता नेतन्याहू, बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो वो कर रहा था इस जंग से पहले. But even that, even if the world opinion is completely in the Palestinian favor, zyada se zyada ye ho sakta hai ki jo illegal settlements hai West Bank mein, usko thoda bahut dismantle karke, kuch adjustments wagara karke, you might get a Palestinian state with some land in West Bank, some land in Gaza, aur thoda bahut nominal symbolic presence in Jerusalem. उनको 3-4 बिल्डिंगें दे देंगे जहाँ पे आप प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अपना पार्लियामेंट, अगर वो डेमोक्रेसी बने, अगर डेमोक्रेसी नहीं बनना चाहते तो पार्लियामेंट बिल्डिंग देने की भी जरूरत नहीं है. खाली प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का रेसिडेंस देके बोले ठीक है, ये आपका, ये मोहल्ला जेरूसलम का आपका कैपिटल है, एंड लेट्स मूव ऑन. सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट इज गोइंग टू हैपन अगर सारी दुनिया उनके साथ. लेकिन सारी दुनिया उनके साथ नहीं है, मतलब बोलचाल में तो थोड़ा बहुत है. आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन में 45 कंट्रीज एब्सटेंट, 120 मुल्कों ने वेट किया, लेकिन जो हैवी वेट कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ रशिया और चाइना है जो दे आर विद देम. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि दिस इज गोइंग टू गो एनी फर्दर. एट सम पॉइंट इजराइल थक जाएगा मार मार के इनको, और फिर उसके बाद दुनिया विल गो बैक टू सम अदर, इलेक्शन सारे शुरू हो जाएंगे इंडिया में, अमेरिका में. आपके पास भी 2024 तो सारा इलेक्शन का ईयर है, बांग्लादेश में इलेक्शन है जो इतने टेंस होते जा रहे हैं, आपके पास इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है, और दिसंबर से तो इंडिया में वो जो स्टेट वाइज इलेक्शन भी शुरू हो रहे हैं ना, तो उससे भी जरा जोश और खरोश, मतलब ऑल कंट्रीज विल बिकमिंग इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे अचानक से इलेक्शन की वजह से. दे आर नॉट गोइंग टू बी लुकिंग आउटसाइड, दे विल बी लुकिंग इनसाइड. बर्तानिया के भी इलेक्शन आ रहे हैं,
तो वजह से एवरीथिंग ऑल द वर्ल्ड विल बिकम सडनली इनवर्ड लुकिंग नॉट आउटवर्ड लुकिंग. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सुनने में आया कि अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन उस खत्ते में भेज दी है, पहले वो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी के, क्या मैसेजिंग है, किस मुल्क को रोकना चाह रहे हैं अमेरिकन, क्या ईरान उनको लगता है कि इतना रिस्क ले सकता है फॉर हमास, या समझते हैं कि जस्ट एक डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते हैं ओवरऑल इन द रीजन. देखिए इसराइल की लॉबी आके कहती है इनको, नहीं मुसलमान और अरब लॉबी जाके कहती है कि आप इतना वन साइडेड पोजीशन ले रहे हैं, हम आपको नवंबर में वोट नहीं देंगे. तो वो डिक्लेयर कर देते कि टीम हम नेशनल स्ट्रेटजी टू कम्बैट इस्लामोफोबिया कर रहे हैं. फिर यहूदी लॉबी जाके कहती है क्या पागल हो गए हो, इस एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है और तुम नेशनल स्ट्रेटजी फॉर इस्लामोफोबिया करोगे, अच्छा हम सबमरीन भेज देते हैं. इस तरह भी है. सो सम ऑफ द एक्टिविटीज आर क्वाइट यूजलेस. ठीक है, वो जो दो इन्होंने भेजे हुए तो क्या वो हिजबुल्ला को डायरेक्ट अटैक करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से? हुतीस को ब्लॉक कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट क्या हुतीस के मिसाइल्स इसराइल तक पहुंचने वाले हैं पूरा सऊदी अरेबिया को क्रॉस करके. सो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव के मेनी ऑफ दीज थिंग्स. इसको ना मिशेल फूको ने गवर्नमेंटैलिटी का लफ्ज दिया था. गवर्नमेंटैलिटी आपने देखा होगा जब आप अमेरिका में ट्रैवल करते हैं तो बाद वक्त आपके पास रैंडम चेक करते हैं. तो 80-80 साल की बुढ़ियों को भी वो रैंडम चेक करते हैं जैसा कि वो टेररिस्ट हैं. तब उसमें क्या होता है कि दे नो दैट यू आर नॉट ए टेररिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन बड़ा शो करते हैं एयरपोर्ट पर कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का काम कर रही है. तो उससे जो लॉजिक ये है कि जो एक्चुअल टेररिस्ट आता है वो डर के भाग जाएगा, विच इज अ काइंड ऑफ अ स्टूपिड. वो टेररिस्ट मरने आया है तो भागेगा क्यों? देखिए वंस यू आर ऑन द एयरपोर्ट विद अ बॉम्ब, आप प्लेन पे फोड़े या एयरपोर्ट पे फोड़े हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? बट द पॉइंट इज दैट इट मेक्स द पीपल थिंक के वाओ हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस का सही इस्तेमाल कर रही है, देखो कितना हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है. सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट. अमेरिका इज प्रिटेंडिंग ऑल्सो, मतलब टू शो के मैं देखो वर्ल्ड पावर हूँ, सुपर पावर हूँ. दूसरे मुल्क क्यों नहीं भिजा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस इलाके में? बात के पास तो है ही नहीं, और जिनके पास है वो सोच रहे होंगे इतना ज्यादा खर्चा क्यों करे, फॉर वॉट? अगर लड़ना है तो ठीक है, लड़ तो नहीं रहे हैं ना, किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं. सो वाई अमेरिका ने भेज दिए, कई हजार ट्रूप्स भेज दिए, ग्राउंड पे भी फोर्सेस हैं. इफ दे आर नॉट गोइंग इन टू गाजा, क्यों है वहां पे 900 स्पेशल फोर्सेस, राइट? इट इज जस्ट टू मेक पीपल हियर थिंक अमेरिका इज लीडिंग द फ्रॉम द फ्रंट, अमेरिका इज डीपली एंगेज. और डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को देखिए वॉर टाइम में, और जहां तक के फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू कम अप विद रैशनल पॉलिसीज, क्योंकि इतना टग इस तरफ उस तरफ इतना ज्यादा होता है ना कि इट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट द पॉलिसी. और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी मुझे लगता है इट्स लाइक ए डिस्टॉर्ट, अनलेस वहां पे अगर रशिया की कोई शिप आई नजर आई या रशिया की कोई सबमरीन नजर आ रही. देखिए अगर रशिया सबमरीन वगैरह वहां भेजता ना, रशिया या चाइना, तो ये बहुत धूम करते हैं यहाँ पर वॉशिंगटन में, राइट? अगर शक भी होता उनको कि दे आर सेंडिंग. सो द फैक्ट दैट देयर इज नो नॉइज, बट हेडलाइन तो है ना कि इट लुक्स एज इफ बाइडन इज डूइंग समथिंग मोर फॉर इजराइल, राइट? जिस तरह के यहाँ पे झंडे लगा देते हैं इसराइल के झंडे बिल्डिंगों पर वगैरह, राइट? उससे डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है वहां पर पब्लिक का, बट इट मेक्स यू लुक एज इफ यू आर इन द राइट पोजीशन वगैरह. डॉक्टर साहब अमेरिका, हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे जो ताकतवर हलके हैं, पर्टिकुलरली द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इट ऑफन गिव्स लोज एंड हाइज इन इट्स रेपुटेशन, लुकिंग डूइंग इट्स इंटरनल जो चीजें कर रहे होते हैं. इस तरह जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो भी अपने इमेज के हवाले से हाइज एंड लोज में होती हैं. ये जो इस वक्त जैसे आपने बर्तानिया का जिक्र किया या अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन में बहुत नीचे है इस वक्त, इन व्हाटएवर वे आप देखेंगे कि इम्प्रेशन उनके बारे में ऐसा ही है.
इवन पहले तो आप डू यू एग्री विद दिस, एंड सेकंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? जैसे आपने कहा कि शुरू में कहा कि लोग भूल जाएंगे, कुछ तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी 6 महीने डाउन द लाइन, हाउ डू यू सी दिस, कि क्या ये जो ऐसा क्या चीज़ है जो दैट विल मेक द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रिकवर इट्स रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड? और डू यू बिलीव के जैसे चाइनीज़ के मुल्कों की लीडरशिप से कांटेक्ट होते हैं, इनके भी लीडरशिप से कांटेक्ट होते हैं, दे डोंट बॉदर एट दिस इन दिस काइंड ऑफ टाइम्स, दे डोंट बॉदर के लोग क्या सोच रहे हैं बिकॉज दे हैव टू अल्टीमेटली फॉलो देयर नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स? जी सर, देखिए जो अमेरिका के बारे में जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है, यू शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत ही रिसेंटली मैं एक अरब मुल्क में उनकी नंबर वन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया 3.5 घंटे का, विथ कई फैकल्टी और PhD स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, और तो आई स्पोक फॉर अबाउट 1.5 आवर और 2.5 घंटे बैक एंड फोर्थ चलती रही। तो सम ऑफ देम वर वेरी, मतलब बहुत ही इंसल्टिंग थे मेरी तरफ। तो एक बंदे ने मुझे उठ के कहा कि तुम CIA के एजेंट हो। ये एक अजीब सी बात है, लाइक CIA के एजेंट है, लाइक व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा प्रेसिडेंट हमारा एजेंट है यार, तुम मुझे क्या कह रहे हो CIA का एजेंट? ये कह, तुम्हारी फौज हमारी एजेंट है, हम पैसे देते हैं उसको, मुझे कह रहे हो मेरा टैक्स रिटर्न देख ले? कुछ भी नहीं, इट इज सो स्ट्रेंज ना कि आप CIA, दे थिंक इट इज लाइक अ वेरी प्रोफाउंड नॉलेज बेस्ड आर्ग्यूमेंट के मैंने कह दिया उसको, अरे बेवकूफ इंसान, इट शोज हाउ स्टूपिड यू आर। एनीवे, तो वो खत्म हुआ, उसके बाद वहां पे खाना वाना था। वो सारे बंदे जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, गैस वो मुझसे क्या पूछ रहे थे, दो सवाल सिर्फ, कि फुलब्राइट के लिए रिकमेंडेशन लेटर देंगे या आप मुझे PhD के या पोस्ट डॉक में मेरी मदद करेंगे। मैं बोला हाँ आ जाइए, CIA में रिक्रूट कर लूंगा मैं आप सबको, क्योंकि मैं CIA एजेंट हूँ, आप सबको CIA में भर्ती कर लेते हैं। ऐसा गुस्सा आ रहा था, चक्कर थप्पड़ मारना दिल भरा था मुझे, कि देट इज द कल्चर। सो तो अगर आप पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ भी हैं तो इट डजेंट मैटर, वो जमीन पे रेंगते हुए अमेरिका के अमेरिकन बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रू, राइट? सो दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमेरिका, ओ इट्स एन इविल एम्पायर, वुड यू वांट टू माइग्रेट टू अमेरिका, यस यस्टरडे, राइट? अगर आप वही सवाल किसी अमेरिकन से पूछे अबाउट देयर कंट्री, देखें आप क्या जवाब देते। They are not going interested in going there, and they will tell you what they exactly think about you. It may be ill-informed, uninformed, but it has an impact. Because वो फिर अपने congressman को phone उठा कर अगर करें तो फिर congressman भी वो ill-informed opinion पर act करना शुरू हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये तो डॉक्टर साहब, ये सब कहेंगे वो कि हमें जो है ना Fulbright वो दे दें। डॉक्टर साहब, moving towards the last questions. 2+2 हो रहा है इंडिया के अंदर, मैं चाह रहा था उस पर थोड़ी बात हो जाए। 9 या 10 तारीख 9th and 10th को, जी जी। तो डॉक्टर साहब आप इसको कैसे देखते हैं? ये टर्म भी नहीं निकली है 2+2, अब तो बहुत सारे मुल्क इसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक है कि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है वो कैसे इंटीग्रेट करता, और जैसे डॉक्टर जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी अमेरिका गए हैं और अब ये आ रहे हैं वहाँ से। सो हाउ डू यू सी दिस, ऐसा क्या है डॉक्टर साहब? मैं मेरे जहन में एक सवाल आता है, सितंबर में मोदी साहब बाइडेन साहब आए, 10 दिन बाद जयशंकर चले गए, फिर बातें शुरू हो गई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, सेक्रेटरी से, फॉरेन सेक्रेटरी से, ये वो, अब फिर वो एक हफ्ते 10-15 दिन बाद आ रहे हैं। व्हाट्स सो स्पेशल जो ये डिस्कशन होती है, क्या है ऐसा जो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। इट्स लाइक सेइंग आपने मुझे टेक्स्ट किया कि खान साहब लेट्स हैव अ डिस्कशन, तो मेरा नॉर्मल जवाब होगा क्या टॉपिक रहेगा, फिर आप कहेंगे टॉपिक ये है, फिर उसके बाद आप लिंक भेजेंगे, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। सो दीज आर ऑटोमेटिक, राइट? सो इट शुड नॉट बी सरप्राइज के आपकी एक मैसेज के बाद 4-5 मैसेजेस एक्सचेंज हो। सो
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस आए थे जुलाई में, राइट, जुलाई था या जून था जब वो स्टेट विजिट, जून इस 22, राइट, 22 जून को, तो देर वे सर्टन प्रपोजल्स मेड एट दैट टाइम, जो डिस्कशंस हुए उनके बाइडेन के साथ और दूसरे, जयशंकर साहब वाज आल्सो हियर ऑन दैट ट्रिप, तो वो जो डिस्कशंस हुए, फिर उसके बाद जो G20 में IMEC का डिस्कशन हुआ, प्रपोजल हुआ, तो वो जो चीजें थी उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ आए थे, इट वॉज अ वर्किंग विजिट, तो ही केम टू फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ दोज प्रपोजल्स, राइट। तो अगर वो विजिट में पूरी चीजें खत्म नहीं हुई तो नेक्स्ट विजिट में होगी, सो व्हाट इट टेल्स यू इज के दे आर सीरियसली वर्किंग टुगेदर, ये मतलब खाली फोटो आपके लिए नहीं हो रहा है, देर इज एक्चुअली प्रोग्रेस हैपनिंग, एंड इसलिए आपकी मीटिंग्स हो रही हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं टुगेदर। आपको मैं और एक चीज बताता हूँ कि ये तो अब साल में दो बार हो रहे हैं ना मीटिंगें, 2x2 के, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिस्टर ऑस्टिन भी जा रहे हैं, ब्लिंकन भी जा रहे हैं राजनाथ सिंह और जयशंकर साहब से मिलने के लिए, बट 26 सितंबर को सेक्रेटरी लेवल की मुलाकातें भी हुई। अब ये कह रहे हैं इंटरसेशन के बीच में, इंटरसेशन डायलॉग ऑफ 2x2, यानी अब जो डायलॉग होगा ये 2x2 का, नेक्स्ट डायलॉग 2x2 के बीच में और एक सेक्रेटरी लेवल मीटिंग होगी, विच ऑलरेडी हैपेंड ऑन 26 नवंबर, जिसमें दे फाइनलाइज, जो चीजें फाइनलाइज कर सक रहे थे वो फाइनलाइज कर लिए, और जो नहीं हो सकते वो नवंबर 9th और 10th को डिस्कस किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि थोड़े नए डेवलपमेंट्स हो गए हैं बिटवीन September on this, which is मतलब एक यूक्रेन की जंग को भूल गए हैं सब, और ये हमास की जंग हो गई। I will not be surprised कि US में suggest इंडिया को कि कोई कुछ हथियार हथियार भिजा दें आप इसराइल के लिए। अब मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकता, अगर आप सर्च करें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, तो आपको देखेंगे कि देयर आर सम अमेरिकन कमेंटेटर्स हु आर सेइंग के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हवाई जहाजें भेजी हैं इजराइल को हथियार के साथ। सो आई थिंक दे माइट वांट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए, अगर इंडिया हथियार भेज देता ना इजराइल को, तो इंडिया बिकम्स मोर फर्मली इन द US कैंप, ठीक है। रिलीफ भेजना फलस्तीनियों को एक चीज है, वो तो अमेरिका सबसे ज्यादा कर रहा है, ठीक है। रिलीफ जो जा रही है फलस्तीनियंस को, अभी भी गाजा में द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम टर्की, कतर, सऊदी एंड द अमेरिकंस, और फैसिलिटेट अमेरिका ही कर रहा है। वो अमेरिका के प्रेशर के बगैर वो गेट्स नहीं खुलने वाले थे। सो अमेरिका इज डूइंग दैट, दैट डजंट मीन अमेरिका इज ऑन द साइड ऑफ द फलस्तीनियंस। फलस्तीनियंस के ऊपर रहम खाकर, इट्स लाइक सेइंग किसी गरीब के ऊपर आप रहम खाकर उसको कुछ दे रहे हो, दैट डजंट मीन यू आर ऑन देयर साइड। आप किसी अमीर को पैसे दें तो दैट इज व्हेन इट शोज योर कमिटमेंट टू दैट। तो जब अगर, सो आई हैव अ फीलिंग के दे विल डिस्कस दिस न्यू डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट, और दैट विल बी, बिकॉज अभी तक इंडिया हैज नॉट, मतलब ऐसा कोई पॉलिसी डिस्कशन इन डेप्थ वगैरह नहीं हो, बस वो अरिंदम बागजी के साथ जो 2-3 सवाल जवाब हुए थे उस पे ही यही बातें सामने आई कि इंडिया स्टिल सपोर्ट्स द टू स्टेट सॉल्यूशन, इंडिया बिलीव्स इन अ वायबल एंड सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, बट इंडिया आल्सो कंडेम्स ग्लोबल टेररिज्म, इसलिए हमास। तो इंडिया की पोजीशन बहुत कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, राइट। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो हैव नॉट रिएक्टेड, they have not reacted to Russia, China or India. तो वो इसी मसले पर focused हैं, वो US के ही साथ आगे पीछे दिन रात उसी पे चल रहा है। But आप देखें सऊदी अरेबिया ने भी क्या pronouncements किए, कुछ भी नहीं पिछले, मतलब it didn't even go to Cairo meetings, और MBS की अलबत्ता मुलाकात हुई, but Biden से अभी तक नहीं हुई, मेरे ख्याल से फोन पे भी बात नहीं हुई। And I don't think MBS is going to talk to Netanyahu in the near future. Lekin jaisa ye conflict khatam ho gaya, aapko nazar aa jayenge Israeli ministers Saudi Arabia mein. That is a big prize. Thing is ke
देखिए, अगर आपके पास वेल एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेसी है फॉरेन मिनिस्ट्री की विद इनकॉम्पिटेंट पीपल, तो वो भूलते नहीं है। जैसा यहाँ पे कहते हैं ना, द एफबीआई विल नेवर फॉरगेट यू,